वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन्नव्ययात्मा समान है, ऐसा समझ ले। समझ लो, वास्तव में उपमा है ही नहीं, वास्तव में उपमा मिल सकती ही नहीं। वो चिन्मय तत्व है, वो ऐसी बात नहीं है। घटाकाश, मठाकाश, महाकाश, कई उपमा भी है, कोई उपमा मिलती नहीं, कोई उपमा लागू होती नहीं। अनुपमेय तत्व है वो। ऐसे आप मान लो अपनी बुद्धि के संतोष के लिए
ऐसा मान लो, मान समुद्र से एक बूंद है, ऐसे परमात्मा का एक आत्मा है मान, परंतु वो घटेगा नहीं, ये जड़ है वो चेतन है, और उसका संबंध विच्छेद होता नहीं। समुद्र और बूंद दो चीज अलग अलग है, ऐसे अलग चीज वो होती नहीं, हो सकता ही नहीं। उसको जो आत्मा है वो क्या है कि परमात्मा स्वरूप ही है, उसने एक अपरा प्रकृति का अहम है उसको पकड़ लिया, अपरा प्रकृति का अर्श अहम है, उस अहम पकड़ने से अहम के रूप हो गया, तो ये उसको मान लिया वैसा, तो अहंकार हुआ, तो अर्श तो है अपरा प्रकृति का, और अर्श कहते थे परा प्रकृति को, परमात्मा की परा प्रकृति को अंश कहते, वो अंश ऐसा नहीं है। अब किसी तरह से अपने मन को संतोष करना हो तो मान लो कथाकाश महाकाश कहते हैं, ऐसा कहते हैं, ये बूंद ही अपेक्षा कथाकाश का दृष्टांत नजीक पहुंचता है, परंतु वास्तव में कोई दृष्टांत नहीं है। दृष्टांत क्या हो, वो चीज एक ही है, अब एक द्वितीय चीज हो तो उसका दृष्टांत हो, दूसरी कोई चीज है ही नहीं, कोई सत्ता ही दूसरी नहीं है, तो दृष्टांत कैसे होगा। वो परमात्मा वही राम वही कृष्ण वही भोलेनाथ ऐसा मान ले, हाँ ये ठीक है बिल्कुल वही है, ये उपासकों की दृष्टि से अलग अलग रूप है, वो तत्व एक ही है, वही राम है वही कृष्ण है वही शक्ति है वही सूर्य है वही गणेश है वही शंकर है, वही है, ये भी तत्व है। मुसलमान का सातवां आसमान वही है, ज्ञानियों की मोक्षशिला भी वही है, और वैष्णवों का साकेत धाम वही है, काश्मियों का वो गोलोक धाम वही है, राम जी की दिव्य अयोध्या वही है, ऐसा मान लो। इसे मानने का तात्पर्य क्या कि अंत में एक तत्व है, ये तात्पर्य समझाने के लिए ऐसा मान लो, ऐसा है नहीं, परंतु पहले ऐसा ही होता है, ऐसी उपासना होती है। मनुष्य एक देशी है तो अपने परमात्मा को भी एक देशी मान करके उपासना कर सकता है, और करे क्या, कोई इसके हाथ की बात नहीं है, तो अपने जैसे बुद्धि समझे वैसे ही करो। देखो स्थूल बात है, बंबई जिसने नहीं देखा है वो बंबई सुनने पर अटक लगाता, ऐसी बंबई है क्या, वैसी बंबई मिलेगी। किसी संत को हमने सुना कैसे संत उपासक हो, तो पहले तो ऐसी बड़ी दाढ़ी है, ऐसा है बूढ़ा है, ऐसा ऐसा है, जाकर देखो तो बिल्कुल नहीं मिलेगा वैसा। गंगा जी ऐसा है मन में धार लिया, आकर देखो तो वैसी नहीं मिलेगी। शायद एक ऐसा है, ऐसा एक मकान ऐसा है, वो तो ऐसा मकान सुन लिया आजकल लगा दी, जाकर देखो तो वैसा नहीं मिलेगा। सांसारिक चीज भी जैसी सुनते हैं मन में जैसी कल्पना करते हैं वैसी चीज अगर नहीं मिलती, तो परमात्मा तो कल्पना से अतीत है, ये तो स्थूल चीज है, वो स्थूल चीज नहीं मिलती तो वो वास्तु सूक्ष्म का भी अति सूक्ष्म धातु ही दूज है, ये परिवर्तनशील है, वो बिल्कुल अपरिवर्तनशील है, तत्व ही वो अजादा है। अब कैसे लगेगी, कैसे होगी बताओ आप। दृष्टांत क्या होता है, दृष्टांत दार्शांत को जताने के लिए एक उपाय है, उसी तरह बुद्धि लगाने के लिए, जैसे शाखा चंद्र न्याय कहते हैं, देखो चंद्रमा वहाँ है, मेरी दृष्टि से देखो, मेरी दृष्टि से देखो, दिखा नहीं देखो, यहाँ से देखो, वो जो डाली टहनी है तो उस टहनी के ऊपर ठीक ठीक ऊपर देखो, ऊपर देख दिया, देखिए हाशा दे दिया, अब टहनी के ऊपर है चंद्रमा, चार दिन मिलेगा। दृष्टांत दार्शांत वचन उसकी तरफ लक्ष्य कराने के लिए है कि मनुष्य की वृत्ति उधर हो जाए, इतने कराने में उपयोग है, और सादृश्यता मिलेगी नहीं, सादृश्य उपयोग है, ऐसा आप जैसे मिले वैसे। दूसरी बात नाम जप में और मंत्र जाप में दोनों में कोई अंतर है क्या। अंतर है,
मंत्र जाप में विधि होती है। मंत्र जाप है जैसे ओम नमः शिवाय, तो ओम नमः शिवाय ऐसा मंत्र होता है। शिव 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 ये नाम है। नाम क्या है? नाम है पुकार, और मंत्र है विधि से जपना। जो जपना है वो तो होता है चतुर्थ होता है, नमः होता है, अरे पुकार में तो वो पुकार करता है। जैसे डाकू लूटने लगे तो वो पुकार करता है, तो वो मंत्र थोड़ा जपता है, अरे लूटे मेरे लूटे बचाओ बचाओ, वो संबोधन होता है, वो संबोधन होता है। जितने माध्यम दाम है वो संबोधन है, उसको पुकारते है, माँ 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 पुकारे, ये मातृ दम है, ऐसा ही कहते हैं वो पुकारे वो तो। वो प्रणाम है, नमस्कार है, प्रेम राम गोविंद प्रणम मातु पितु चरणौ प्रणिपत्य भक्त्या गंगा सहाय दर्शो हरिदोष हेतु संदेह मयाय कुरुते पृथ्वी प्रेतम। तो ये नमस्कार करना है, नमस्कार होता है, नमस्कार होता है, स्वाहा होता है, स्वदा होता है, वसत होता है, ऐसे अव्ययों का प्रयोग होता है, वो मंत्र होता है, तो ये नाम होता है, नाम पुकार, तो दोनों विधि अलग अलग। नाम कोई विधि नहीं है, आज का आदमी नाम की विधि थोड़ी है। बालक अगर माँ के लिए रोता है तो वह विधि है क्या? देखो बच्चा ऐसे रोना चाहिए, ऐसे रोना चाहिए, इस विधि होती बताते किसी मंत्र इतनी बार इतना मंत्र जपो, ऐसे माँ को पुकारो इतनी बार पुकारो इतना मंत्र जपो, ये होता है। वो तो माँ 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 करता है, वो तो पुकार है, रोता है, ऐसे नाम पुकार है। और मंत्र है विधि बोलो बोलना चाहिए, वही विधिया होती है। काम ऐसी नहीं तो नियम आस्था है, उनका नियम होता है। नाम में तो क्या होते, आरती होती है, दुख होगा संताप होता है, मारे 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 लाखों मारे मारे, तो नाम होता है, नाम एक पुकार है, उसमें भाव होता है, भीतर का भाव। नाम चंद्र विधि होती है, मंत्र से विशेष इसमें विधि नहीं, पुकार भाव। आप सेवा के विषय में बहुत बात बोलते हैं, परंतु सेवा हमको लेनी कितनी चाहिए? सेवा लेनी कितनी चाहिए? सेवा करने के लिए तो आपने बहुत लेनी चाहिए नहीं, सेवा लेना ही ठीक नहीं है। जब मैं खड़ा होकर के दल को खिता लेना चाहिए, वो ये लो तो डूब जाओगे, वो तो ये उसे करो तो तिर जाओगे, जा लोगे पीछे चल जाओगे। सेवा लेनी नहीं चाहिए, सेवा लेने का अधिकार किसी को नहीं, भगवान को है। अपने सेवा करो मात्र प्राणी की, मनुष्यों की, पशुओं की, पक्षियों की, वृक्षों की, सांप आदि की सेवा करो। सेवा है ये एक परमात्मा की प्राप्ति का अचूक एक उपाय है। सेवा क्या है? सेवा भाव है, वस्तु नहीं है सेवा, सेवा भाव है। सबको सुख कैसे पहुंचे? सर्वे भगवान सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदु। सब सुखी हो जाए, सब आनंद में रहे, सब मौज में रहे, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, ये भाव है, सब सुखी हो जाए। ये भाव सेवा है। उस भाव से अन्न देता है, कहीं जल देता है, कहीं कपड़ा देता है, कहीं आश्रय देता है, कहीं औषध देता है, तो ये सब भाव है। तो भाव में ताकत है, वस्तु में नहीं है। वस्तु कितने दी जाए, भाव थोड़ा है तो विकार नहीं होगा, और भाव बहुत अच्छा तेज है तो बहुत जल्दी कल्याण हो जाता है। लोग समझते हैं वस्तु के भाव अच्छा, हमारे क्या क्या भाव से हमारे क्या फायदा, वस्तु देगा फायदा। लोगों में तो ऐसी ऐसी धारणा है कि वो धन चीज देना नहीं फायदा है, चीज धन चीज तो भाई सभी नाश वाले, उसका फल अविनाशी कैसे होगा? सेवा का फल अविनाशी होता है। सेवा में एक रहस्य की बात है, बढ़िया सेवा आपको शायद आश्चर्य आएगा, बढ़िया सेवा ये है कि तन से मन से वचन से विद्या से बुद्धि से हमारे भाव से किसी को दुख न पहुंचे, किसी का अहित न हो जाए,
ये असली भाव है, असली ऐसी सेवा है, बड़ी सेवा है। किसी को किंचित मात्र भी कष्ट न पहुंचे, ये बड़ी भारी सेवा है। इसके बाद क्या होगा, करेगा तो सेवा ही करेगा, नहीं तो चुप रहेगा, दो चीज की तीसरी सेवा क्या हो। ऐसा जिसका भाव है वो चुपचाप रहेगा अथवा सेवा करेगा, तीसरी अवस्था क्या होगी, हम सोचो करेगा सेवा ही करेगा। किसी को किंचित मात्र विकास न पहुंचे, ये व्यापक होती है। सेवा वस्तु से की जाए, अरबों खरबों रुपए की जाए तो सीमित ही होगी, सीमित ही, और सीमित वस्तु से सीमित ही चीज मिलेगी, असीम परमात्मा नहीं मिल सकते। और सेवा होती असीम, वो सीमा नहीं है, मैं दुख नहीं दूंगा, सीमा हुई इसकी, मैं तो हजार कंबल बांटूंगा तो सीमा हो गई नहीं, मैं किसी को कभी दुख नहीं दूंगा। अगर वस्तुओं से सेवा होती हो तो त्यागी पुरुष सेवा कर ही नहीं सकते थे, वो तो विचार वस्तु से, वस्तु से सेवा नहीं होती, सेवा भाव होता है, सेवा भाव, किसी को कभी कष्ट न हो। जैसे जैन मत है ना, जैन मत, जैन मत कहते हैं मैं अनिलो न खाऊंगा, हरी साग नहीं खाऊंगा। तुम्हारे मत में ऐसा है कि हरी चीज को खाने वाला आदमी हो वृक्ष देने से तो वृक्ष कांपने लग जाएगा, ये खा जाएगा हमारे नीम ले बात है, मेरे को मेरे से किसी को दुख न हो, किसी को भी कष्ट न हो। वो मंत्र है वृष तेष मंत्र, सब निर्भय हो जाए, मेरे को किसी से किसी को भी भय न हो। अवयम सर्वे भी मत कष्ट मंत्र, जो खास संन्यास लेना का मंत्र है, मेरे को किसी को मेरे से भय न हो कभी किंचन मात्र भी। ये महाराज बहुत बड़ी भारी सेवा है, असीम असीम सेवा असीम, इसी सीमा कैसे बनेगी, बस तो सेवा करोगे सीमा बंधेगी, अरबा खरबा रुपये लगे तो सीमा सीमा में सीमित ही होगी, असीम कैसे होगी। अरे असीम से असीम मिलता है, सीमित से असीम कैसे मिलेगा, सेवा भाव है, किसी को कष्ट न हो कभी मेरे द्वारा, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। अब हम मनुष्य समझेंगे कि वो नहीं देता हमारे क्या फायदा, हमें तो चीज दे जो फायदा, स्थूल रीति वाले नहीं समझते, मार्मिक बात को स्थूल बुद्धि वाले नहीं समझते, कैसे समझे। हमारे सामने प्रश्न आया कि जो आदमी लेता नहीं, छात्र को लेता नहीं, तो ले लेने में हमारे क्या फायदा हुआ, धनी आदमियों को क्या फायदा और गरीबों को क्या फायदा, धनियों से लेवे गरीबों को देवे तो दोनों को उपकार है, धनी आदमियों का द्रव्य भी अच्छा काम खर्च हो जाए, गरीबों की सेवा हो जाए, नहीं लिया क्या फायदा। मेरे सामने से पत्र आए कि प्रश्न है, पर नहीं लिया तो महाराज लेना पड़ेगा, तो देने के लिए लेना, लेना ही मुख्य हुआ, देना मुख्य कैसे हुआ आप बताओ। लेकर देता है तो मूल तो लेना हुआ ना, देना मूल तो नहीं हुआ, नहीं लेगा तो क्या देगा, लेने के लिए लिया, देने के लिए लिया तो लिया देने के लिए, तो देना लेने से पैदा होगा, नहीं लेने से देना पैदा कैसे हुआ, तो मुंह में तो गुलामी हुई तो वो फिर तेज कैसे हो जाएगा। दे दिया ना, हाँ तो दे दिया तो अपने पास है वो दे दो, पर देना के वृत्ति वाले को लेना पड़ेगा, मजबूर होगा लेने के लिए। पूछ रहे एक ही ब्रह्म है सब कुछ एक ही है, कौन सेवा देवे कौन सेवा करे किसका भजन करे, तो किसका प्रश्न किसका उत्तर बताओ, प्रश्न का हम आंसर ही कहा, प्रश्न नहीं है, प्रश्न हो सकता है क्या, युद्ध हुआ परिहार हुआ क्रियता वेद भाषा, उसमें प्रश्न नहीं है उत्तर भी नहीं है, उसमें प्रश्न कैसे होगा, जहाँ लेना देना कुछ नहीं वो प्रश्न होगा, प्रश्न होगा कोई
तत्व तो अद्वैत है पर हम लोगों को भेद मालूम दे रहा है। ये भेद भेदभूषी नहीं है, अद्वैत कहा है, एक नहीं कहा है। अद्वैत द्वैत नहीं है, कल एक कहा है कि एक है, तो अद्वैत क्यों कहा? एक कहते बढ़िया चीज है, अद्वैत कहना बड़ी, एक कहना सुगम है, बढ़िया समझ में आता है, अद्वैत द्वैत का निषेध क्यों किया? वह एक नहीं है, वह एक अद्वैत है। देखो भगवान ने अपरा परा प्रकृति हम तीन का वर्णन किया, भूमिरा बोले अपरा जीव भूत हम परा और अहंकृत जगत प्रभाव पर गया, तो तीन है, एक जड़ है, एक चेतन है, एक परमात्मा है, तीन हुए। तीन होते हुए भी तीन है क्या? अपरा भी भगवानी प्रकृति, परा भी भगवानी प्रकृति, भगवान एक ही तो हुए, अद्वैत अद्वैत है ही नहीं, एक चीज हुई कि नहीं। जैसे आपका शरीर है तो शरीर में क्या है कि आपके आँखों का विषय और है, पैर का विषय और है, मानो ज्ञानेन्द्रियां कर्म इंद्रियां में बड़ा भारी फर्क है, फर्क है, परंतु आँख ने देख कर पैर चलेगा और पैर में ठोकर लग जाए, पीड़ा हो जाएगी, आँख में आंसू आ जाएंगे, आँख में पीड़ा हो जाएगी, पैर भी लटकाएंगे, ये क्या अद्वैत है? आत्मोपमेन सर्वत्र सबम पश्यति सुखम वा यदि वा दुखम सहयोगी परमो मत। आत्मोपमेन जैसे शरीर की उपमा है, इस शरीर की उपमा में हम किसी अंग में, अंग तो हमारे उत्तम अंग है, ये जिसमें पांचों ज्ञानेन्द्रियां जन है, तो ये उत्तम अंग हुआ, तो ये अधमांग हुआ नीचे, तो अधमांग अधमांग हम अंग में बहुत फर्क है, हमारे पैरों में और हाथों में बहुत फर्क है, शरीर में जगह जगह फर्क है, पर फर्क होते हुए भी वास्तव में आत्मोपमेन सुखम, तो किस अंग में सुख नहीं चाहिए और किस अंग में दुख चाहिए बताओ? सुख दुख में एक है। आप संसार में देखो तो भाषा, मारवाड़ी भाषा दूसरी है, गुजराती भाषा दूसरी है, बंगालियों की भाषा दूसरी है, कर्नाटक की भाषा दूसरी है, द्रावण की भाषा दूसरी है, ये सब दूसरी है, पर रोना दूसरा होता है क्या? हंसना दूसरा होता है क्या? ये बंगाली हाँसी है, ये तो हाँसी मारवाड़ी है, ये तो गुजराती हाँसी, ऐसा होता है? मानो सुख दुख एक होता है बाबा, तो किसी को दुख न हो, सभी सुखी हो जाए, यही सेवा होती है, यही अद्वैत होता है। कहीं भी पर दुख दुख सुख सुख देखे, पर संतों के लक्षण देखे, दूसरे के दुख से दुखी हो जाते, दूसरों के सुख से सुखी हो जाते। संत हृदय द्रवनीत समाना, कहा कविन पर कहे न जाना। संतों का हृदय मक्खन की तरह होता है, ऐसा कहा पर कवियों को कहना नहीं आया, क्यों? कहने से परिताप द्रवनीत था, मक्खन तो खुद को ताप लगे जब मिलता है, जो शब्दों में दूसरे दुख से दुखी होते हैं, तो मक्खन कैसे कहे? वज्रादपि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि, संतों का हृदय कैसा वज्र से भी कठोर होता है, कोमल से कोमल, पुष्प से भी कोमल होता है, दोनों कैसे? खुद पर दुख आवे तो वज्र के समान, दूसरों के दुख तो कोमल के समान, पिघल जाए, अपना दुख पर वही नहीं। जैसे आपके हाथ के कीड़ा हो जाए तो वो गले बनता है, गले पड़ता है नहीं, हाथ पीला है, अब भीड़ में जाता है तो ये हाथ है फैलो, क्यों हाथ पीता है? तो कमजोर हाथ की रक्षा करता है, ऐसे जो बलवान है वो कम बल वालों की रक्षा करे, तब ठीक ठीक है, ये अद्वैत है, किसी को भी कमजोर न हो, किसी को भी कष्ट न हो, तो ये सही, ये भी हाथ है, ये भी हाथ है, और ये इतना पीड़ित है कि चेष्टा नहीं सकता, तो तो संत महात्मा होते हैं, वे अपने को समझते हैं इस हाथी की तरह, दुनिया को समझते हैं इस हाथी की तरह, बीमार है, दुख नहीं सह सकेगा। दध्यंग ऋषि थे, दध्यंग ऋषि
वेदा माता है, दधीसी दधीसी ऋषि थे, तो एकदम मस्ती में बैठे थे, तो इंद्र पहुंचा वहाँ। इंद्र पहुंचा तो इंद्र ने कहा कि आपको जो ये आनंद है वो हमें भी मिल जाए, ऐसा हम भी है ऐसा आनंद में। तो महाराज उन्होंने कुछ बात अटपटी कह दी कि तू कैसे ईश्वर को तू नहीं ले सकता। सही बात कहता हूँ मैं, कहा कि कुतिया कुत्ती के साथ जो सुख लेता है वो सुख तू ले रहा है, अरे गधा राख में लोटे जो सुख लेता है वो तू सुख ले रहा है, तू ऐसे उसको कैसे प्राप्त होगा। तो चिड़ गया, चिड़ गया तो कहा कि देखो अब किसी को ज्ञान दिया, जब मैं ज्ञान का अधिकारी नहीं हूँ तो संसार मेरे से सब यही सबका मालिक मैं हूँ, अगर मैं ज्ञान का अधिकारी तो दूसरा अधिकारी कैसे होगा। अब किसी का ज्ञान लिया तो सिर काट दूंगा आपका, ठीक है सब हो गए। उससे पहले आए थे अश्विनी कुमार, महाराज हमें ज्ञान चाहते हैं, कहते जाओ अभी नहीं जाओ, ब्रह्मचर्य का पालन करो, दर्शन हो कब्जा करो। वे दो तीन बार आए, 33-33 बार ब्रह्मचर्य पालन 99 वर्ष तक वे आए पीछे महाराज ज्ञान। तो अश्विनी कुमार ने कहा क्या, तो महाराज दधीसी बोले ज्ञान तो मैं दे सकता हूँ मैं दे सकूंगा नहीं, पूरा दे सकूंगा नहीं, क्योंकि मैं ज्ञान देना शुरू कर दूंगा माथा काट लेगा, तो आपको दूसरा गुरु बनाना पड़ेगा, आप दूसरे गुरु के पास जाओ वहाँ आप ज्ञान दो। मैं दे सकूंगा कोई माथे की मेरे मोह नहीं है पर मैं दे सकूंगा नहीं, तो महाराज माथा ही काटते ना, तो आपकी आज्ञा हो तो हम आपका माथा काट रहे जगह में। तो वे तो बड़े डॉक्टर है ना, उसने कहा तो देवता वैद्य है, तो हमारी मर्जी। तो एक मरा हुआ घोड़ा, घोड़ा था घोड़े का बच्चे का मुंह धर दिया, ये मुंह धर दिया क्योंकि वो काट कहीं फेंक दे वे मिले ही नहीं क्या करें, इस बात हम आपके मस्तक रख लेते रख लेगा। तो देने लगे घोड़े के मुख से जो देने लगे जो इंधन काट दिया, काट फेंक दिया वो तो इधर पासा वो मर रहा है वहां लगा दिया। तो फांसी एक बार होती है, दो बार नहीं होती, आपका वचन हो गया अब आप भी मार सकते। फिर अश्विन कुमार को ज्ञान दिया। अब आप आते आते इंद्र पर आफत आई, अब वैदी में वो आफत क्या आई, दधीसी ऋषि थे उनकी स्त्री वो गई थी झरना पर जल लाने के लिए, पीछे आ रही देवता, वे कांपते हुए घबराए हुए देवता आए, देवता आए तो भी क्यों घबराते हो कि महाराज हम राक्षस मार तंग करते हैं और हमारे अस्त्र शस्त्र आप ले लो तो हम बच जाएंगे, किसी कभी अस्त्र फिर विजय कर सकते हैं, परंतु अस्त्र छीन लेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, इस बात की कृपा करके हमारा रख लो, हमारी जरूरत ले लेंगे। तो जी अच्छा भी रख दो, वे देवता गए वो गए आगे से कहा कि भाई ऐसे देवता आए थे अस्त्र रख लो हमारे, तुम्हारा धरोहर नहीं रखनी चाहिए, किसी की धरोहर नहीं रखना, ये बड़ी जोखिम की बात है, नहीं रख लिया तो अब क्या पूछते, फिर ठीक है आपने दे दिया जाओ, परंतु धरोहर रखनी नहीं चाहिए किसी को भी। हमारे वर्ष बीत गया, रातों से गए कुछ चोरा ले जाए उसने आए ही नहीं देवता पीछे, उन्होंने क्या किया मंत्रों को पढ़ करके वेदिक मंत्रों से उन शस्त्र को धो दिया, धो भी पिए। अब पी गए वे तो फिर इंद्र में पड़ी आफत, कैसे वृत्रशु कैसे मरे कि ये तो अस्थि हो मरे, दध्यंग ऋषि के अस्थि से शस्त्र बने तो मर सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण देवताओं के अस्त्र का शाल दधीची की हड्डियों में है, उस हड्डी का अस्त्र होगा तो मरेगा नहीं तो नहीं मरेगा। देवराज पहुंचे वहाँ कि महाराज आप हड्डी चाहिए अच्छी बात है ले जाओ, तो मैं कैसे ले जाऊंगा, एक ब्रह्म हत्या लगी उसमें तो मैं बड़ा घबरा रहा हूँ, एक ब्रह्म हत्या और लग जाएगी तुम्हारे नहीं लगे, मैं प्राण छोड़ दूंगा, मैं तुम्हारे से मारूंगा मरू नहीं, मैं आपसे आप प्राण छोड़ दूंगा फिर तो ले लो। तो ठीक है मैं छोड़ दिया। तो विश्वकर्मा को कहा कि महाराज जैसे अस्थि बनाओ अस्थि से भद्र बनाओ, विश्वकर्मा ने कहा ब्राह्मण की देह को मैं तो चीरूंगा नहीं, अब सूर्य तो उसको पाप लगेगा ब्राह्मण ब्राह्मण का शरीर है मैं तो नहीं चीरूंगा। फिर काम तेनों को याद किया वो माता तू चाट जाओ, तो गाया वो मांस चाट गई साफ हो गया, आ गए वो साफ हो गए
ब्रह्मा से बना दिया। अब वो स्त्री थे गर्भवती, तो उसने अब क्या करें, तो वो गई बाहर उस पास से आई, जीते मरा दिया, वो सफाया कर दिया, सब ले गए शरीर को, मर गया ले गए सभी। तो वहाँ क्या बना कि थोड़े थोड़े रुआ पड़ा था वहाँ पर, नदी थी ऋषि के रुआ रह गया, केश थोड़ा सा रह गया और दूर चले गए। तो वो स्त्री ने क्या क्या करूँ, शरीर नहीं रहा, क्षति कैसे हो, तो वो केश लेकर क्षति हुई। तो पेट में बालक था, बालक को चीर कर निकाल, और पीपल था, और पीपल में तुम भी मेरे बेटा हो, मैंने तुम्हारे को बुलाया रखा किया है, तुम अपने छोटे भाई की रक्षा करो। तो पीपल की टाटली मेरे मुंह में दे दी, छोटे छोटे बच्चे गए और वह क्षति हो गई, रोने गिर गए। तो वो पिपला ऋषि हुए, पिपला पिपल खा कर बड़े हुए। अब वो हुई बड़े हुए, उन्होंने देखा कि देवताओं ने बड़ा अत्याचार किया हमारे पिति से, पिताजी को मार दिया, तो कहेंगे यज्ञ करूंगा, उस यज्ञ महाराज होम देने लगा सभी। तो इंद्र घबराया, इंद्र घबरा करके ब्रह्मा जी के वहां पर गया, वो महाराज रक्षा करो। तो वहां से तो ब्रह्मा जी इंद्र सब लाओ आहुति कर लगे, बोला तो क्या करो, तब आकर कहा महाराज माफ करो उसको, इज्जत वो उसका माफ करो यज्ञ को, आप कितनी कर दो। देवताओं ने ऋषियों ने समझाया कि तुम्हारा पिता सही शांत हो गया, इनके मारने तुम्हारा फायदा क्या होगा, या नहीं मारे तो क्या नुकसान है, तो इनको तुम माफ कर दो। तो माफ कर दिया, ना हो गया, सब रह गए, होने किया। अब उसे वो साप दिया इसको कामधेनु को, कि गऊ का गोबर भी शुद्ध है, गोमूत्र भी शुद्ध है, पर मुंह अशुद्ध है, मुंह अगर गाय लगा दे तो बहुत अशुद्ध होती है वो, क्योंकि ब्राह्मण के मांस को खाएगी, इस वास्ते मुंह अशुद्ध है, मुंह खा रही है, बेला भी खा लेती है, मुंह अशुद्ध बना है गाय का। और सब रोम शुद्ध है, खुर से उड़ी हुई रेती शुद्ध है, गोबर शुद्ध है, गोमूत्र शुद्ध है, मुंह शुद्ध है, ऐसा इनको साप दिया। तो बिना कारण सिर उड़ाने वाले को जरूरत पड़ी हड्डियां की, तो प्राण छोड़कर हड्डियां दे दी। कर्ण स्वचव शिविर मानसव दधो दधीसी रस्ते, जीव जीवूत महारा दधो दधीसी रस्ते नास्ते अधेय महात्मा, महात्मा के लिए अधेय है ही नहीं। बिना कारण सिर काटने वालों को हड्डियां दे दी, बताओ ये महापुरुषों की बात है, तुम्हारा काम हो गया, अच्छी बात है। ना कोई निंदा करने कोई अंदर समझेगा मेरी निंदा करता है, अरे निंदा नहीं बात करे, तू अधिकारी नहीं है, मैं जग अधिकारी नहीं है। वो कहते मैं अधिकारी नहीं हूँ, तो मेरे से बड़ा कौन है, तो बड़ा होने से थोड़ा अधिकारी होता है। तो ऐसे संतों की बात ऐसी है, तो मूल में सेवा क्या है, इसका नाम सेवा है। दूसरे का दूर दूर हो जाए, किसी के कष्ट दूर हो जाए, ये भाव है उसका, तो सेवा भाव होता है, सेवा क्रिया नहीं होती, पदार्थ नहीं होते, भाव होता है। तो भाव सेवा करने से महाराज कितनी ऊंची सेवा है, माथा काटने वाले को हड्डियां दी, तमाशा थोड़ी हड्डियां देना, चीज रुपया पैसा नहीं दिया जाता, रोटी नहीं दी जाती, कपड़ों नहीं दिया जाता, प्राण दे देगा, हड्डियां दे देगा, कैसे दे देगा। सेवा यूं है, दूसरे को सुख हुए, दूसरे को फला हो जाए, इनको तो प्राण छोड़ना पड़ा, इंद्र की जीत हुई, और क्या हुई हो। उसको पिनाक धनुष बना, वो गांडी धनुष बना, महाराज का सारू धनुष बना, इंद्र का वज्र बना, उस हड्डियों से सुब्रमण बनाए। इस तरह से सेवा भाव है, सेवा में ये नहीं कि मेरा ये उपकार करता है तो उपकार करे, उपकार बदले उपकार मित्र होता है, बिना उपकार उपकार करता है वो सुहृद होता है। तो सबकी सुविधा सुहृद सर्व नहीं, सुहृद सर्वभूता नाम ज्ञाता मान शांति में स्थिति, तो संत महात्मा भगवान सुहृद होते हैं सब कहीं, अपने सब कष्ट सहने सुख पहुंचाते, ऐसी नहीं बात सुनी है। तो उस भाव सेवा भाव है, सेवा भाव में उनको अभिमान नहीं होता, ये तो संसार की सेवा है, संसार का शरीर है, संसार की सेवा हमने क्या दी, उनको चीज उनको दी। शेर जी सुनाई थी बंगाल ने कहा आपने बहुत काम किया, क्या किया, यहाँ से कमाया था, वो थोड़ा खर्च किया, सब खर्च कर देता तो हमारा बोलिए एहसान भी नहीं है।
फिर मारवाड़ से लावे ले जावे तो आपको कि भी आपने कुमार किया हमें जो हुआ है आप कमाया वो भी हमारा पूरा ही रहेगा। तो सेवा का अभिमान नहीं होता उन्हें भी मैं सेवा करते हैं। अभिमान क्या है तो दीम वस्तु को दे तुम भी देव दे तुम्हें दीम वस्तु कभी नहीं समर्पे भगवान की भगवान को समझी संसार की संसार को दे दी क्या दिया ये संसार से मिले हैं शरीर अगर हम संसार को दे दे तो क्या दिया आपने कोई दिए नहीं जिनकी चीज थी उनको दे दी क्या क्या बात की बताओ आप विचार करो क्या अलौकिक बात क्या करी सीधी की बात है उसके लिए अभिमान ही नहीं होता क्या हम देते हैं और किसी पासारी तो सेवा भाव होता है व्यापक भाव है सेवा का नाम ही कर्मयोग है कर्मयोग से मुक्ति हो जाती है अद्वैत सिद्धांत में कर्मयोग से मल दोष दूर होता है उपासना से विक्षेप दोष दूर होता है और ज्ञान से अज्ञान आवरण दूर होता है मन विक्षेप आवरण तीन दोष दूर होते हैं। गीता कहती है कि कर्म से केवल सेवा से तीन दोष दूर होते हैं तीन दोष दूर होते मन विक्षेप गीता का सिद्धांत है ऐसे उपासना से दूर होते हैं ऐसे ज्ञान से तीन दोष दूर होते हैं इस वजह प्राप्ति शांति योग से जो होता है वो कर्मयोग से होता है जो कर्मयोग से होता है वो शांति योग से होता है गीता ये कहती है तीन दोष है तीन दोष वो दोष क्या है दोष ये तो मेरा तेरा मेरा ये दोष दूर हो गया कोई दोष नहीं है मेरा है तेरा है आए हुए जब करोगे की गर्दान से तो हमारे सामने कर्तव्य है वो हम करते हैं फिर भी संतोष नहीं होता है क्या बात संतोष पूरा करते भी करते नहीं महाराज अधूरे संतोष नहीं होता संतोष पूर्ण होने से होता पूर्ण होकर संतोष हो जाएगा जरूर सेवा करते हो राम काम करते हो तो कितना करते हो संतोष कैसे हो असंतोष रहेगा ही नहीं असंतोष कैसे रहेगा असंतोष नहीं संतोष होगा हो क्या होगा इस बात कर्मियों को त्याग कहा गीता ने कार्य में तीव्र कर्म नियतम कृत संगम तत्व फल त्याग है साथ में तो त्याग है वो शब्द त्याग है अपने आराम का अपने अभिमान का अपनी ममता का अपने तादात्म्य का सब का त्याग है त्याग शांति अनंतरम त्याग के बाद तत्काल शांति होती है तत्काल अरे चट्टी पेशाब गए त्याग करने से शांति मिलती है त्याग से शांति मिलती है शुद्ध त्याग है स्वार्थ का त्याग कर रहे अभिमान का त्याग है निर्ममो निरहंकार है ममता का त्याग है अहंकार त्याग पूरा त्याग अपना कुछ है नहीं अपना कुछ है ही नहीं अपना भी कुछ नहीं है अपने आप भी कुछ नहीं है वो भी भगवान का है हमारा क्या है स्वयं शरीर संसार का है और स्वयं परमात्मा का है हमारी कोई चीज है ही नहीं क्या चीज बताओ हमारी शरीर तो संसार से पैदा हुआ संसार से पालित होता है संसार से रक्षित होता है संसार की है हम परमात्मा के हैं हमारी खुद की चीज क्या है नहीं कुछ भी तत्व ज्ञान से ये होता है कर्मयोग से कर्मयोग से यही होता है तो अपने आप को भगवान के कारण से भक्ति हो जाती है भक्ति हो जाए शंका पूछो करते भी पूरा होता नहीं भाई करते भी पूरा क्या होता है पहले तो कर्तव्य का ज्ञान ही नहीं होता कर्तुं योग्यम कर्तव्यम तो कर्तव्य होता वहाँ अकर्तव्य होता ही नहीं अकर्तव्य होता ही नहीं कोई देखो साधक मात्र के लिए कर्तव्य की इतनी आवश्यकता नहीं है जितना अकर्तव्य त्यागने की जरूरत जितना तत्परता से लगते हैं उसकी आवश्यकता नहीं है साधन विरुद्ध काम न करे अरे विरुद्ध काम करते रहते हैं स्वार्थवाद में फिर कर्तव्य का बाद कैसे होगा अकर्तव्य रहे ही नहीं कर्तुम योग्यम कर्तव्यम कर्तुम शक्यम कर्तव्यम कर्तव्य तो बोलते कर सकते हैं और करना चाहिए जरूर अपने क्या है कि वो चीज अपनी नहीं है कर्तव्य करने में
मैं कर्तव्य करता हूँ, सेवा करता हूँ, ये तो इनकी है। जैसे गृहस्थ के घर पर भिक्षु आवे तो भिक्षु को रोटी दे, तो भिक्षु की ही रोटी है, ऐसे को देना चाहिए। अपनी समझ देने की बात बताई थी, पापी को पापी बताया सुना उन्होंने, अपनी वस्तु पापी नहीं, तो वो अपनी नहीं उसी की है। जैसे किसी घर की लड़की आपकी बहू भर कर आई तो वो यहाँ रहती है, तो ढाप कर खाओ, पहनो कपड़ा पहनो, बहुत से हो वो अपने आप को यही दे दिया जो मुझे खाओ। मैं तत्काल एक आया भिक्षु रोटी बनाई हुई है तो एक रोटी का वो मालिक है, नहीं तो बहू मालिक कैसे हो, वहाँ घर के आने वाले कैसे, तो वो अपने आप को दे दिया। अरे वो विष्णु देव संप्राप्त है, विष्णु देव किया विष्णु आ गया तो एक रोटी का वो उठा की दास है, न दे तो पाप लगे। अतिथि ऐसे भगता गृहत प्रतिवर्तते सतस्य दुष्कृत सत्ता पुण्य बाधाए गच्छति। अतिथि घर में आकर यदि खाली चला जाता है तो पाप तो ले जाता है, पुण्य नहीं जाता है, वो खाली नहीं जाता है। इस बार से उसको रोटी दे दो, मचार करो। वो कभी हमारे काम में आया नहीं, खेती में आया नहीं, व्यापार में काम आया नहीं, रसोई बना में काम नहीं आया, अरे सर आ गया रोटी दो दे तो पाप लगेगा, पाप है पाप कैसे लगेगा, क्या निहार किया उसने, कौन से काम में शरीर हुआ, फिर नहीं पाप लगे तो क्यों पाप लगता है। कि जो अतिथि है वो कुछ गांठ गिरे नहीं बांधते, जब देवे तब खाए, तो नारायण पीछे फिरे मत भूखे रह जाए। गांठ गिरे गए दूसरे दिन के लिए कोई वस्तु शर्ते कर वो रखता ही नहीं, जब मिले तब खा लेता है, तो भगवान पीछे नहीं भूखा न रह जाए। छोटे बालक के लिए मां नहीं रखती, भूखा नहीं है छोरा, भूखा नहीं है ऐसे भगवान निगरते, कुछ लेने की इच्छा नहीं, पास में कुछ रखते ही नहीं, तो वो किसी घर पर जाए वो भिक्षा देनी चाहिए, देने पाप लगे, क्यों लगे पाप, कि वो भी तुम क्या इकट्ठा कर सकता था, वो इकट्ठा करता तो क्या नहीं कर सकता, मजदूरी करता तो करता नहीं, साधु हो कैसे ही हो वो मजदूरी करे दिन में दो चार पांच सात रूपए कमाई सकता है, उसने नहीं कमाया वो रहेगा, आपने तो रहा तो कभी से रोटी दे दीजिए करो उसको, उसने पैसा लिया ही नहीं, आपका धन लिया ही नहीं, कुछ लिया ही नहीं, जिसने कुछ लेना नहीं दीना भेद हजार हजार बार दिया, सब कुछ दे दिया तुम्हारे को, अब वही पर रोटी भी नहीं देते आप, तो पाप लगता है, क्योंकि उनकी चीज है आप घर में। वह जो छोटा जो कहा गया आप बताओ, कोई नहीं लेता है वो छोटा हुआ, भी कहा गया, आप में से लेता है और से लेता, जब नहीं लिया तो वह हाई तो उसको वक्त पर आवे तो रोटी दे दो, एक रोटी दे आधी रोटी दो, इतना पूरा हो गया, आपका धर्म पाल हो गया, बताओ कहाँ रहे, ऐसा इकट्ठा नहीं किया उसने, वो कहाँ रहा। इस वजह से बहुत त्याग कर जाता है, जिसने कुछ लिया नहीं देना भेज बहुत पुण्य होता है, तो लेता है दो रोटी दे दो, घर पाए दो कपड़ा दे दो, तो कुछ मांगते ही नहीं, कुछ चाहते ही नहीं, ऐसी बात है। तो त्याग में त्यागा शांति, त्याग के बाद तत्काल शांति होती है, सारा कुछ दिया। दत्तात्रेय जी महाराज ने चील को देखा, एक बॉस देर हुई कई पास होगी छोड़ा, वैसे पीछे बॉस लड़ाई गई उसके पीछे, तो कभी संग्रह नहीं करना, पता नहीं चौबीस गुरु बनाए गुरु बनाया, चंद्र गए तो आप बताओ कई लोग पीछे बनाए गए नाम जी उसे कई जगह कौन लड़ेगा कौन आएगा पीछे, कलकत्ता में झगड़ा को थी नहीं, थोड़ी सी टीक मारी थे वो तो ना, बहुत उदार थे, रामायण के बड़े प्रेमी थे, और बहुत आते थे लड़ने वास्ते, वो कहते हैं मैं एकांत स्त्री के साथ सोया हूँ वो आ जाते, मना करिए अभी किस आ रहे मन मरे कोई आए मामले वाले मना करना मना नहीं करना, भीड़ रहती थी, फिर घाटा लग गया, घर में कोई नहीं आता, वो मिले थे मैं कहते तो मेरे ऐसे भी कोई नहीं आता है, रामायण के बड़े प्रेमी सुनते थे पाठ करते थे रामायण के, फिर कोई नहीं आता, तो
पास में मर्ष भजो सी लावे है ही पास में अपने पास जरा लोग तो मिले तो पावर है ना है ही के पावे बैठे रामानी पाठ करते नाम से कोई भीगे ना भले कर मैं भी अभी सुनाता हूँ चाहते हैं ऐ सुना हो जाए बंद आशा मेरे से मिट जाए रोटी लेनी मुश्किल है अब आशा मेरे क्या लगे कि मतलब मुझे कहना ना तो मतलब बस आके मतलब से देव कौन आता है कौन कुछ जब लग बहल चले गाड़ी में तब लग सार घनी बूढ़े बहल को कोई न पूछत डोलत गली गली अब तेरी जान पड़ी शमशार को शमशार अब तेरी जान पड़ी पता लग गया बूढ़े बहल को राज खानो एक बूढ़े मार दो शायद अगर सुनते हुए कि बूढ़े माँ बाबू मार दो ये अगर कानून बन जाए तो राष्ट्रीय बात नहीं है आज की जो प्रगति है उसे देखते हुए ये बन सकता है कि बूढ़े माता को क्या काम है कोई नहीं मार अब काम को नहीं गैंग को मार दो बेटे को मार दो जो काम नहीं बूढ़े को मार दो उम्र भर तुम्हारे वो सुख दिया बेचारे उम्र तुम्हारी सेवा में कमाया बूढ़े को मार दो ये कानून है आज का बूढ़े को मार दो कहते गो ऐसा मत करो लिखा है बूढ़े को मार दो वाटे जवान जवान को ट्रक भरे हुए हमने देखा है बैल पर जवान लोगों को मार दे कानून है बूढ़ों को मार दो और वो आगे देता है लिख देता है कि हाँ ये बात तो मार पास तो देता है इतनी स्वार्थ गति होगी एक आदमी बुरा काम करता है पर बड़ा मस्त है रुपया पैसा है एक आदमी बेचारा भगवान का भजन करता है लेकिन उसको खाने की कमी है बहुत ठीक बात है क्या कारण है कारण तो ये जो चीज मिलती है महाराज प्रारूढ़ लिखा है प्रारूढ़ से मिलता है एक खेती नहीं करता है खूब बोझ से बैठा है एक खेती करता है घर में रोटी नहीं है खाने के लिए एक खेती करता है तो खेती होगी तब देख रहे अभी खेती करता है किसी ने पहले कमाया धान पड़ा है घर में रोटी बनाकर खाता है पर धान खत्म होगा तब देखना खेती करता हूँ धान हो जाएगा उसमें तो पहले की कमाई वो है न तेरे ही भाग का आया नहीं इतवार तेरे भाग का भी पता नहीं लगा है तब तक मेरी माँ कबूल करो हजार कुछ सही करो वो जब पूजी खत्म हो जाएगी प्रारंभ की तब देखना क्या होता है खेती नहीं करता है खाता घूमते पड़ा धन पड़ा है उसके पास में आगड़ी क्या होगा खेती करता है रोटी नहीं मिलती मेरा अगर उस धन होगा उसे ये तो डेढ़ा चलता है पुराने कर्मों का फल मिलता है नए कर्म करता है ऐसे ही सृष्टि चल रही है तो पूरी की पूरी है इस बात है तो उसे पूरी पूरी नहीं है तो बड़ा निक है शीत है साधु पुरुष है शेष है पूरी नहीं है पूंजी वाला सुख भोगता है परंतु अंतकरण में उस वो शांति कितनी गए जिसके पास कुछ भी नहीं है पर अशांति है क्या उस पास में संतोषाद अनुत्व सुखदार संतोष तुल्यम निधिदायक विचार है संतोष है जाई विधि राख है राम ताई विधि रही है सीताराम 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 कहिए अपने जैसी भगवान की मर्जी उस मर्जी की मर्जी मिला रही अपनी लोग कहते मेरा जाना होता ही नहीं संत कहते हैं कि मेरा जाने होता सदा मेरे मन की होती है अपने मन की जगह भगवान ने मन में मन मिला दिया भगवान करे उसमें पूरे मर्द गई हरात में कुछ है सुबह अपनी क्यों चिंता करे अरे माँ बाप चिंता करो छोरा तो ही चिंता करता है इस वास्ते मस्त रहता है न द्वेष या कुछ लोग कुछ लेता तो सज दे त्यागी सत स्वामी सो बेटा सुनने सुन से किसी का द्वेष नहीं किसी का राग नहीं अपना भजन करता है कुछ नहीं मुझे मौज देती आनंद देता है धनी आदमी के शांति नहीं होगी और दीर्घ तुर त्यागी के शांति रहेगी बड़े बड़े धनी बड़े बड़े महाराजा दीर्घ त्यागी बाबू के बाबा के पास में जाएंगे शांति के लिए वो नहीं जाएंगे धनी के राजा महाराज के पास जाते हैं उनको दो ही बताया है तीन बात को साध रहा राज दुआरे जाए साध रहा तीन बात को जाए कभी मान को लेने की जाए
जो द्रोण न जाए वो राजा के पास क्यों जाए, क्या मतलब उसे? वो राज्य से उसे क्यों भय क्या? जो राज के पास जो राज है उससे कम है क्या? सभी शांका से विगत भव भी तिर दृपाई वा, कोई भय नहीं हम लोग। अवधूत की कथा आती है भागवत में, राजा को जी आती हुई है। राजा गए प्रहलाद जी, तो प्रहलाद जी गए थे, प्रहलाद जी अवधूत मिला, उनको पूछा कि बदला आप है दत्तात्रेय जी महाराज। हाँ, नाम नहीं लिखा है, वो पहले स्कंद में आ गया है। प्रहलाद प्रहलाद आदि जय पूछ हुआ दत्तात्रेय जी का अवतार जो पहले स्कंद में जो मालूम किया ना, वही है कि प्रहलाद आदमियों की उन्होंने वो साथ में वो नाम नहीं लिखा, वहाँ नाम नहीं लिखा। एक और उनके पास गए, अब गए एक दूसरे ये आती कोई वो रहता गए थे, उनको कहा महाराज आपने कुछ कुछ है ही नहीं आपके पास, आपके पास कुछ भी नहीं, खुश रहो कि हमारे खर्चा ही नहीं है, कि हमारे तो पैरा लगता है पैर लगता है, हमारे शत्रु ही नहीं है, हमारे खर्चा ही नहीं है, पैरा लगा के रक्षा की मेरे को भय ही नहीं है, खर्च करो तो हमारा जरूरत नहीं है, तो जरूरत नहीं है वो बड़ा है, खर्च करने को बड़ा है, रक्षा करो बड़ा है, भय ही नहीं हो बड़ा है। महाभूमेशय्या मशनमुपधानं भुजलता वितानसाकाशो गजनमनुकूलोऽयमनिलः सुरद्दीपसन्द सधितिवनिता सङ्गमोदिता सुखी शान्तशेते विगत भव भीतिर्विपरीतम्। महाराज कहाँ सोते हो? कि सोते हमारा हमारी शैया है क्या प्रति, तुम्हारे जितनी शैया सब हमारी शैया के ऊपर रहती, हमारी शैया को छोड़ दो तो जगह नहीं मिलेगी, हमारी शैया महाभूमि शैया, तुम्हारे शैया लुट गए नीचे गिर जाए, हम रात भर लुट जाए नीचे गिरने देती, तुम्हें संभालनी पड़ती है, लड़ना पड़ता है, समझ पड़ती है, जहाँ सो गए आनंद से महाभोगे शैया, तो उससे तुम्हारा भुज भुजलता, ये मैं आदमी को दिया धैर्य देने सो गया, कैसे बोलिए उसे लाना पड़े, सीना पड़े, बढ़ानी पड़े, ले जाना पड़े, धोना पड़े, कुछ जाना पड़े, साथ में जो सो गया आकाश हमारे मुँह लगा हुआ है, कैसी बात है? और महाराज ये तारा है, धार गिलास में सब लगे हुए है, और दीपक लगा है चंद्रमा का मोज से, हवा चारों तरफ से आती है, हवा तो लानी पड़ती है, दीवार कर मंद करते हो बस हवा देते हो, हम मंद ही नहीं करते, सधृति वालिता, अब धृति भी मानी स्त्री है, धृति हमारी स्त्री सुखी शांत कोई काम कोई कैसी बात है, बहुत हो गया आनंद हो गया, बोलो किस बात की कभी किस बात है, एक वैराग्य है अपने मन में, किसी कोई मतलब नहीं, चिंता कोई है ही नहीं, कैसे आप बताओ क्या चिंता लगी, जगह चीज वस्तु हो, कुटुंब हो, घर हो, आप बताती हो घर नहीं तो बाहर नहीं लगी, महिला ने कहा कंगन दयान दयान पुत्री नादी ने मेरे घर में गाड़ी लिखी, बड़ा आनंद मौत वैराग्य में आनंद हो सर्व वस्तु भयान भूलना वैराग्य मेवा भयम, कैसे खराब गया सा गई चिंता मिटी मन का बेपरवा, जिसके कसु नहीं सारी शांत
बासों का भाषा है, और क्या जिंदगी, कोई जिंदगी, कोई कृष्णा नहीं, कोई ईसा नहीं, कोई आशा नहीं, कोई कृष्णा नहीं, कोई जरूरत नहीं, नष्ट रहते हैं अपने क्या आगे चिंता नहीं थी। महाराज ने सुनी एक बात, मतदार थी ना सुर सागर में मतदार थे, तो ये यहाँ रहते थे झाड़ी में, तो जो सैन ज्योति महाराज के पास जाते थे पशु थे पत्ते थे, तो महाराज ये सदर फट गई, तो मधुदास जी कहा महाराज मेरे पास सुई धागा है मैं सो दू, नहीं नहीं, तो लाली सुई दो, लाल सुई दे दिया महाराज ने, सुई लिया सुई दे दिया, कहते ले जा तो ले जाओ भाई, उन्होंने कहा मेरे सुई मेरे पास है, धागा भी है सुई भी है, क्यों चाहिए चाहिए को छोड़ वास्ते यहाँ आया दिन भर में, अब फिर भी चाहिए पिंड नहीं छोड़ेगी, अभी चाहिए भाई कर दूंगा परसुकुंड आएगा परसुकुंड आएगा तू एक दिन लगेगा, हमारे बड़ नीचे की बात है जो साधु प्रबंध करते थे हमारे अमृतधाम जी, अमृतधाम जी करते शेर ने भारतीय शीर भेजा महाराज ये साधो दे दो, अमृतराम जी बोले भाई नहीं क्या सीखा कश्यप ने भेजा है नाम लिया मुखेर ने भेजा है, तो भी आज ही भेजा है रोजाना भेजेगा कि आज ही भेजा है भाई मुंह खराब हो जाए मीठा चाह कर तू ले जा तुम्हारी आदत बिगड़े ऐसे दे ही दिया नहीं रोजाना भेजे भेजने ठीक है भाई कोई बात नहीं रोजाना कौन भेजे एक लोगों को खाओ भाई हमारे को भाई थे बड़े अमृतराम जी खराब हो जाए भाई आदत खराब हो जाए को पूछ ले रोजी में भेजेगा तो ठीक है फिर लेंगे नहीं फिर सोचे फिर एक दिन वास्ते कौन खराब होकर मुंह अखंड जी महाराज पास में गया शेठ एक दूसरा अर्पण किया बढ़िया दूसरा महाराज शेर दूसरा क्या करे महाराज आप संत हो आपको देवे तो एक हजार मिलता है एक गुणा दान सहस गुणा पुण्य हजार मिलता है आप वो जाने लगा तो दे दिया तो महाराज आपने वो कहना भैया अब हजार दस हजार हजार मिलेगा तो 999 रहे एक तो नहीं देखू एक गुणा दान सहस गुणा पुण्य तो हजार देना पड़ेगा कम से कम एक तो कम होगा नहीं हजार में से ये तो नहीं जा दे ही जा, नहीं जा। कर जाए तो कौन सा बता रहे अखंड जी बात है साधु अगर वर्तमान में साधु भगत नाथ जी महाराज में अण गया असम में रहने वाला बढ़िया ऋण ले जाया महाराज शाम के बजे पंडित जी आए दर्शन करने संध्या के पंडित जी आते नमस्कार किया उसे देखा बढ़िया चीज बन रहा है जाने लगे तो पंडित जी ये दीजिए ये तो महाराज आपके लाया भगत हमारे काम की देगी हमारे काम की देगी क्यों आपने बढ़िया है तो मन चला था सूचन हो गई मेरे काम आपका मन चला ना सूचन दे दी सूचन हम क्या करेंगे काम जिस किसके मन चले जाने वाले इस बात बढ़िया तीर होती वो सूचन होती मन चला किसी का तो फिर पूरा घटेरा कर देंगे मेरा मन चले जैसे ये शंका की बात है ना शांति में मिलते हो लोग कहते हैं कि महाराज ने त्याग किया आप मिटाई त्याग अपना आराम देखा आराम है बस आराम रहते हैं गाय न बच्ची नींद अच्छी आप गाय न बच्ची नींद अच्छी कोई पूछे क्या
वहाँ गाय बच्ची हुआ तो चिंता करनी पड़ेगी नहीं, गऊ है बच्ची है तो गाय ने बच्ची कदी न बच्ची सुखे शांत शेत भगत भव भीत कोई भय भीत नहीं बेटा सुखी कोई चिंता नहीं। लोग कहते हैं त्याग कठिन है, त्याग में जितनी मौज होती ग्रहण में है ही नहीं, वो शक्ति नहीं कभी होगी शक्ति। बताओ कैसे होगा, मारवाड़ी कहावत याद आ गई, बांडे कुत्ते को क्या दाएंगे जरा क्या मरे कोई बड़ी बैठो कागो ने बागा में उड़ता नहीं दिखे नहीं बाबा जी आज बैठा जा रहे। एक जगह संत रहते थे तो संत बहुत आते लोग भक्त आते थे धनी आदमी खतरनाक है ये हम तो कहने लायक है नहीं है हम तो कोई भजन करते अपना एक सदर रखते लंगोटी पहले रहते एक भिक्षा को जाए वो सदर लगा दे सदर लगा कर भिक्षा जाए भजन केवल भिक्षा के समय जा रहा हूँ सदर ले जा रहा। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2055 25 अप्रैल 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।